गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। जैसे सॉफ्टवेयर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि हम कहते हैं कराया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे MS वर्ड हो गया, ठीक है, पावर पॉइंट हो गया, जिसमें हम एप्लीकेशन से हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, कुछ भी एप्लीकेशन बनाने के लिए, कुछ अगर हमने कोई टेक्स्ट लिखना है तो MS वर्ड का यूज़ करते हैं, अगर प्रेजेंटेशन बनानी है तो पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं, अगर स्प्रेडशीट अगर हमने ठीक है स्प्रेडशीट बनानी है तो हम MS एक्सेल का यूज़ करते हैं। लेकिन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो पार्ट होता है कंप्यूटर का, जिसको हम ठीक है फंक्शनिंग के लिए कंप्यूटर यूज़ करता है। ठीक है, अपनी स्मूथ फंक्शनिंग, ये जो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर रहे हैं, इसको मैनेज और कंट्रोल करने के लिए भी, इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज़ कंप्यूटर करता है। ठीक है, ये एक्ट एज ए इंटरफेस, ये इंटरफेस की तरह होता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। ठीक है, यूज़र जब कमांड पास करता है तो वो कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाती है और ऑपरेटिंग सिस्टम उस कमांड से हार्डवेयर को ठीक है मूव, जैसे अगर हमने यूज़र ने इनपुट दी तो वो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कंट्रोल करेगा कि ये इनपुट कहाँ पे स्टोर है। ठीक है, इसको कौन सा डिवाइस लेके कहाँ जाएगा, फिर कैसी आउटपुट देनी है। ठीक है, ये सब कुछ मैनेज जो करता है वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, वो इंटरफेस की तरह होता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेट ऑफ प्रोग्राम, ये क्या होता है? एक प्रोग्राम्स का ऑर्गेनाइज सेट होता है, इसमें कितने सारे प्रोग्राम्स मिलके काम करते हैं। ठीक है, कंट्रोल्स एंड मैनेज कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, ये मैनेज करता है कंप्यूटर रिसोर्सेज को, जैसे हार्डवेयर्स को मैनेज करता है, सारे सॉफ्टवेयर जो इतने भी है कंप्यूटर में उनको मैनेज करके रखता है। शेड्यूल टास्क, ठीक है, अगर हमने कितने सारे टास्क हमारे पेंडिंग है, हमने पहले ये करना है, हमने ठीक है कंप्यूटर को हम टास्क देते हैं ना, ठीक है ये वाला टास्क करना है फर्स्ट, हमने राइटिंग करनी है, देन हमने गाने सुनने हैं, ये सारे टास्क होते हैं जो हम कंप्यूटर पे करते हैं। ठीक है, उन टास्क को शेड्यूल करता है कि पहले कौन सा टास्क परफॉर्म होगा, देन कौन सा होगा। ठीक है, इस तरह, और स्टोरेज को मैनेज करता है। ठीक है, जो हम डाटा स्टोर करते हैं उसको मैनेज करता है। ठीक है, इसमें देखो ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में काम कर रहा है, यहाँ पे है हमारा यूज़र, यूज़र कमांड पास कर रहा है, ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जा रही है कमांड, देन वो उस डिवाइसेस का यूज़ करके उन कमांड्स को इंटरप्रेट कर रहा है। ठीक है, देन आते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के। मेकिंग अ कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज़, हम इससे कंप्यूटर सिस्टम और इजी हो जाता है हमारे लिए यूज़ करना। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से रिसोर्सेज को मैनेज करता है, सभी हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, स्टोरेज को, सबको मैनेज करके रखता है। देन आते इसके करैक्टरिस्टिक, ये क्या है? ये प्रोग्राम है, ठीक है, सब हर टाइम ये एग्जीक्यूट होता है, ये इनके किसी टाइम ये बंद हो गया, ठीक है, इसके बंद होने का कोई चांस नहीं है, जब तक कंप्यूटर है तब तक ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा बीच में। ये प्लेटफॉर्म की तरह है एक, ये पुलिस की तरह सबको मैनेज करके रखता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, देन आते इसके फंक्शंस, इसके फंक्शंस क्या है? प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, कमांड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, सबसे पहले आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस एक प्रोग्राम होता है जो हम उस टाइम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, प्रोसेस होता है जो भी हम उस टाइम कुछ लिख रहे हैं, जैसे MS वर्ड ही मैंने चलाया हुआ, उसमें मैं टेक्स्टिंग कर रही हूँ, ठीक है टेक्स्ट लिख रही हूँ, तो मैं उसमें क्या है, वो मेरा उस टाइम का प्रोसेस है, वो मेरा उस टाइम का काम है, वो उस टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो OS क्या मैनेज करता है कि क्रिएशन एंड डिलीशन ऑफ प्रोसेस, ठीक है, जो मैंने क्रिएट करना है प्रोसेस, जब मैंने प्रोसेस को डिलीट करना है उसको मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मेथड्स क्या है प्रोसेस मैनेजमेंट की, कि मैनुअल लोडिंग मैकेनिज्म, ठीक है, जो भी हमने उसमें लोड करना है कुछ भी, ठीक है, जैसे मैंने कोई प्रोसेस लोड करना है कि मैं इस टाइम ये एग्जीक्यूट करूँ, वो करता है कि उसको लोड कर देता है प्रोग्राम को, ठीक है, और हम उस टाइम वो डाटा प्रोसेस चला सकते हैं। बैच प्रोसेसिंग मतलब
किसी तरह की भी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। बैच प्रोसेसिंग होता है जब कई सारे प्रोग्राम्स इकट्ठे मिलके काम करते हैं, उसको कहते हैं बैच में काम करना। ठीक है, बैच प्रोसेसिंग कर सकते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब ये भी यही है कि मल्टीपल प्रोग्राम्स काम मतलब करना चाहते हैं एट अ टाइम। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग जब मतलब मल्टीपल प्रोसेसिस हों, मल्टीपल प्रोसेसर्स हों। ठीक है, मल्टीपल प्रोसेसर्स हो, जैसे सीपीयू हो है ना हमारा, जैसे एक सीपीयू होता है एक कंप्यूटर में, बट हम एट टाइम कई सारे सीपीयूस उस कंप्यूटर के साथ अटैच करना चाहते हैं, तो वो होता है मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इन अर्ली सिस्टम्स। अगर हम कहें तो पहले वाले कंप्यूटर्स में कैसे मैनेजमेंट होती थी, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कैसे मैनेजमेंट होती थी। पहले तो प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखता था, ठीक है, फिर प्रोग्राम्स को पंच किया जाता था पंच कार्ड के साथ। ठीक है, देन कार्ड्स आर सबमिटेड टू कंप्यूटर सेंटर, फिर कंप्यूटर सेंटर में उन कार्ड्स को सबमिट किया जाता था, फिर कार्ड्स एंड डाटा वर मैनुअली लोडेड, फिर उनको मैनुअली लोड किया जाता था, देन उसका रिजल्ट जो होता था एग्जीक्यूशन ऑफ जॉब वॉज प्रिंटेड ऑन पंच कार्ड्स, फिर उनका जो रिजल्ट था वो पंच कार्ड पे उसको एग्जीक्यूट किया जाता था। जैसे मैं अगर कहूँ कि मुझे मल्टीप्लिकेशन का सम करना, तो मैं पहले इनपुट दूंगी, फिर उसको मैनुअली लोड करूँगी, ये सिस्टम था, फिर उसका जो रिज़ल्ट था उसको प्रिंट कर दूँगी। ठीक है, ये ऐसा था इसमें, लेकिन अब ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से हमारा जो काम है बहुत ही आसान हो गया है। ठीक है, उसके बाद आता है मेमोरी मैनेजमेंट। ये हमारी मेन मेमोरी की टेक केयर करता है, मतलब जो भी मेन मेमोरी में कौन सा डाटा है, कितनी मेमोरी मतलब कवर्ड है, कितनी मेमोरी खाली पड़ी है। ठीक है, ये सारी स्टोरेज मैनेजमेंट करके रखता है। डील्स विद अ पार्ट ऑफ मेमोरी इन यूज़, जो हम इन यूज़ है मेमोरी। ठीक है, कौन सी मेमोरी अभी मतलब भरी हुई है, कितनी मेमोरी खाली है, ये सारा उसका देखता है। फिर अगर हमने जो हम प्रोसेस उस टाइम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जब भी कोई प्रोसेस उस टाइम एग्जीक्यूट करता है, जब भी मैंने कोई एप्लीकेशन खोली कंप्यूटर में, तब वो मेमोरी की स्पेस कवर करता है। ठीक है, वो मेमोरी लेता है उस टाइम, मेन मेमोरी। ठीक है, तो हमने किस प्रोसेसेस को मेमोरी एलोकेट करनी है, किस प्रोसेसेस को मेमोरी डी एलोकेट मतलब उससे वापस लेनी है, ये सारा कुछ भी ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। उसके बाद आते हैं फाइल मैनेजमेंट। फाइल क्या होती है, फाइल कुछ भी हमने फाइल क्रिएट करते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, कुछ भी अपना कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखनी है, हम फाइल्स में फाइल बना के क्रिएट करते हैं फाइल कंप्यूटर में। ठीक है, उसको हम डिस्क में भी स्टोर करके रख सकते हैं, अपनी हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं, उसका बैकअप बना के हम सीडी डीवीडीज में स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, हम इसको डाटा को भी डिलीट भी कर सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं, उसको कहीं और मूव कर सकते हैं, उसको उसका नेम चेंज कर सकते हैं, उसको व्यू कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं फाइल को। ये सारे फंक्शंस जो हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से कर सकते हैं। बैकअप ऑफ फाइल्स ऑन स्टेबल स्टोरेज, ठीक है, हम उसका बैकअप बना के किसी और स्टेबल स्टोरेज में रख सकते हैं, मतलब नॉन वोलाटाइल स्टोरेज में। ठीक है, ये तो जो भी कंप्यूटर में हम हार्ड डिस्क मतलब कंप्यूटर की मेन मेमोरी जो होती है वो वोलाटाइल होती है। ठीक है, जब कंप्यूटर ऑफ हो गया तो वो लॉस हो जाती है डाटा। ठीक है, कंप्यूटर जब ऑफ हो जाता है तो वो डाटा जो होता है लॉस हो जाता है, लेकिन जो होती है हमारी नॉन वोलाटाइल स्टोरेज वो होती है, जैसे सीडी होगी डीवीडीज होगी, ये हमारे पास एज इट इज ही रहती है, चाहे कंप्यूटर चलाते वक्त कंप्यूटर ऑफ क्यों ना हो जाए, ये अपना डाटा लॉस नहीं करती। ठीक है, फाइल को असेस करने की क्या मेथड है, सीक्वेंशियल असेस फाइल्स, रैंडम असेस फाइल्स। सीक्वेंशियल असेस फाइल्स होता है जो डाटा सीक्वेंस में हम असेस कर सकते हैं। ठीक है, इस डाटा के पास जैसे नंबरिंग होती है ना, उस अकॉर्डिंग ही हम सीक्वेंस में डाटा असेस कर सकते हैं। लेकिन जो रैंडम असेस फाइल्स होती है उसमें हम बीच में कहीं भी जाके डाटा को असेस कर सकते हैं। ठीक है, देन आते हैं सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन अगेंस्ट डिस्ट्रक्शन एंड अनऑथराइज्ड असेस। ठीक है, हमारी जो है हमारे रिसोर्सेज को ये बचा के रखती हैं फ्रॉम अनऑथराइज्ड असेस। ठीक है, अनऑथराइज्ड असेस मतलब सिक्योर्ड करके रखती है, कोई भी बाहर का उस डाटा में
उसको मतलब वो असेस नहीं कर सकता विदाउट आवर परमिशन, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम उस बात का ध्यान रखती है कि कोई भी बाहर का एक्सटर्नल यूज़र जो हमारे डाटा को ख़राब करना चाहे चाहता है वो हमारे डाटा को असेस ना करे। इसमें कौन सी सिक्योरिटी होती है? एक्सटर्नल सिक्योरिटी, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी। एक्सटर्नल सिक्योरिटी होती है जिसमें हम डाटा को बैकअप बना के रख सकें, ठीक है। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, मतलब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का ही मतलब, ठीक है, उसमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ही हो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो वो वाला ही उसका ही बैकअप बना के रखें, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी क्या होती है? यूज़र ऑथेंटिकेशन। यूज़र ऑथेंटिकेशन कैसे होती है? जब हम कोई भी सिक्योरिटी डालने के लिए हम क्या डाल देते हैं? पासवर्ड, कि जिसको पासवर्ड पता होगा वो भर के उस डाटा को सेस कर सकता है, लेकिन जिसको नहीं पता होगा मतलब जो बाहर का होगा वो उस डाटा को सेस नहीं कर सकता, ठीक है। असेस कंट्रोल, असेस कंट्रोल की मतलब कुछ यूज़र्स को ही असेस देनी है, इस बंदे को असेस नहीं देनी, ठीक है। वो हम उसमें प्राइवेसी लगा सकते हैं कि इसको देनी है, इन इन बंदों को देनी है, बाकियों को नहीं देनी, तो वो भी हम कंट्रोल वहाँ पे रख कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी फाइल में, किसी भी कुछ भी कहीं भी हम सिक्योरिटी रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। उसके बाद आता है डिवाइस मैनेजमेंट, ठीक है। डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है? डिवाइस मैनेजमेंट होता है जब हमने डिवाइसेस को अपने पेरिफेरल डिवाइसेस हो गए जैसे इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, उनको मैनेज करके रखता है, ठीक है। ये क्या है? इनपुट एक्सेप्ट करता है यूज़र से और उसको आउटपुट देता है, ठीक है। इसमें पॉलिसीज होती है, प्रोसीजर्स होते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हैंडल करने के लिए, उनको मतलब संभाल के रखता है। जिसको मतलब जैसे यूज़र से इनपुट एक्सेप्ट की, फिर इसने इनपुट आउटपुट बस को दे देनी है, फिर इसने ये काम करना है, ये सारा जो मैनेजमेंट होती है ना, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग होनी है, ठीक है। देन वो डाटा प्रोसेस होके आउटपुट बस में जाएगा, वो आउटपुट बस से डाटा, ठीक है, आउटपुट में दिखेगा। ये सब जो तरीके होते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मैनेज करके रखता है, ठीक है। देन आता कमांड इंटरप्रिटेशन, एक्ट एज अ प्राइमरी इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड रेस्ट ऑफ अवर सिस्टम, ठीक है। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है? यूज़र और रेस्ट ऑफ सिस्टम में क्या है? इंटरफेस होता है, तो ये कमांड को इंटरप्रेट करता है। जो भी यूज़र कमांड पास करती है ऑपरेटिंग सिस्टम उसको इंटरप्रेट मतलब समझ के उसको कहाँ पे लेके जाना, उसको क्या करना है, ये सारा कुछ इंटरप्रेट करता है, ठीक है। अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट्स कमांड एंटर्ड बाय ह्यूमन बींग्स, ठीक है। जो भी उसको अंडरस्टैंड करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, जो भी यूज़र कमांड पास करता है उसको अंडरस्टैंड करके उसका क्या करना है, कहाँ एग्जीक्यूट करना है, वो सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। आगे हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कल करेंगे। थैंक यू।